दोस्तों नमस्कार। क्रिकेट इंडिया की एक और नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। क्रिकेट का महासंग्राम यानी टाटा आईपीएल 2024 के मिनी ऑक्शंस फाइनली खत्म हो चुके हैं। दुबई के कोका कोला एरिना में कुल 72 प्लेयर्स पर हमें आईपीएल 2024 के लिए बोली लगती हुई नजर आई है और ऐसे में आईपीएल के नेक्स्ट एडिशन के लिए पार्टिसिपेट कर रही 10 की 10 टीमों ने अपने खतरनाक स्क्वाड यहां पर तैयार कर लिए। सभी टीमों ने जबरदस्त प्लेइंग 11 यहां पर आईपीएल के नेक्स्ट एडिशन के लिए बना ली है। पर भाई अब सभी को बेसब्री से आईपीएल के नेक्स्ट एडिशन का इंतजार है, जहां पर बीसीसीआई की तरफ से रिपोर्ट है कि 22 मार्च या फिर 24 मार्च इन दोनों में से किसी एक तारीख से आईपीएल का आगाज हो जाएगा। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपीएल के नेक्स्ट एडिशन में पार्टिसिपेट करने वाली 10 की 10 टीमों के नए ओपनर्स की लिस्ट के बारे में। जी हां, 5 टीमों की ओपनिंग जोड़ी यहां पर आईपीएल के नेक्स्ट एडिशन के लिए पूरी तरह से बदल गई है और इस वीडियो में हम 1 बाय 1 सभी टीमों के ओपनिंग पेयर्स को बिल्कुल अच्छी तरह से डीपली एनालिसिस करने वाले हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। ओपनर्स की बात करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि जस्ट अभी कुछ देर पहले बीसीसीआई ने आईपीएल 2024 की ट्रेड विंडो को लेकर एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट की है, जहां पर सेकंड ट्रेड विंडो फिलहाल चालू हो चुकी है और इसकी डेडलाइन डेट यहां पर फरवरी का लास्ट वीक है। यानी भाई फरवरी तक हमें यहां पर और भी काफी सारे नए ट्रेड्स आईपीएल 2024 की ट्रेड विंडो के दौरान देखने को मिलने वाले हैं, जिसके भी अपडेट्स आपको लगातार क्रिकेट इंडिया प्रोवाइड करता रहेगा। तो चलिए फटाफट हम बात कर लेते हैं आईपीएल के नेक्स्ट एडिशन के लिए सभी टीमों के नए ओपनर्स की फाइनल लिस्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माही सेना चेन्नई सुपर किंग के बारे में। तो भाई आईपीएल 2024 के लिए सीएसके ने सीरियसली यहां पर काफी जबरदस्त नीलामी के दौरान परफॉर्मेंस किया है। नए खिलाड़ियों को डैरियल मिचेल और भाई आपके यहां पर रचिन रविंद्रा जैसे को शामिल किया है। तो भाई बात करते हैं ओपनर्स के बारे में। तो आईपीएल के नेक्स्ट एडिशन के लिए इस टीम के स्क्वाड में हमें कुल 5 ओपनर बल्लेबाज यहां पर देखने को मिले हैं, जहां पर भाई इनके ऋतुराज गायकवाड़ है जो इस टीम के फ्यूचर कैप्टन बन सकते हैं। उसके अलावा भाई डिवोन कोनवे भी इसी टीम का हिस्सा है। उसके अलावा भाई अजिंक्य रहाणे भी यहां पर एज ओपनर मौजूद रहेंगे। रचिन रविंद्रा को इन्होंने नीलामी के दौरान 1.8 करोड़ रुपीज में अपने स्क्वाड में शामिल किया। वही समीर रिजवी, जी हां बड़ा नाम युवा नाम, इस खिलाड़ी को भी इस टीम में जगह मिली। इन 5 ओपनर्स के साथ आईपीएल के नेक्स्ट एडिशन में टीम चेन्नई सुपर किंग उतरने वाले। लेकिन कौन होने वाले हैं यहां पर मेन ओपनर्स, बड़े सस्पेंस यहां पर बरकरार थे। लेकिन दोस्तों अब यहां पर लगभग कंफर्म हो चुका है कि आईपीएल के नेक्स्ट एडिशन में सीएसके के ओपनिंग पेयर में कोई चेंज हमें यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल सेम टू सेम ओपनिंग पेयर के साथ यह टीम उतरेगी, जहां पर भाई एक छोर पर डेफिनेटली ऋतुराज गायकवाड़ होने वाले हैं, दूसरे छोर पर हमें डिवोन कोनवे देखने को मिलने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगली टीम के बारे में। तो अगली टीम है दिल्ली कैपिटल्स की टीम, जहां पर नीलामी के दौरान दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने भी एक दो नए ओपनर बल्लेबाज को आईपीएल के नेक्स्ट एडिशन के लिए अपने स्क्वाड में यहां पर शामिल किया है। कुल 4 ओपनर बल्लेबाज यहां पर फिलहाल दिल्ली कैपिटल्स टीम के स्क्वाड्स में है, जिनकी लिस्ट को आप सभी लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहां पर भाई इस टीम में आपको पता है वेस्ट आपके यहां पर ऑस्ट्रेलिया के जबरदस्त ओपनर बल्लेबाज डेविड वॉर्नर है और भाई युवा ऑलराउंडर यश दुल भी इसी टीम में शामिल है। पृथ्वी शाह भी यहां पर है। सभी को उम्मीद थी कि भाई इस खिलाड़ी को रिलीज कर देगी, लेकिन फिर भी रिटेन किया गया है और भाई हैरी ब्रुक्स को इन्होंने नीलामी के दौरान अपने स्क्वाड में शामिल किया है। लेकिन फाइनल ओपनिंग पेयर यहां पर क्या बन रहा था, तो आपके एक छोर पर डेफिनेटली डेविड वॉर्नर यहां पर होंगे, दूसरे छोर को लेकर सस्पेंस बरकरार रहेगा। लास्ट आईपीएल एडिशन में इन्होंने अपने ओपनिंग पेयर में चेंज किया था, क्योंकि पृथ्वी शाह की फॉर्म यहां पर बिल्कुल भी टीम के साथ नहीं थी और अब की बार भी थोड़े से आउट फॉर्म हमें डोमेस्टिक सीजन के दौरान देखने को मिले हैं, जिसके चलते हो सकता है यहां पर यश धूल को आजमाया जाए या फिर हमें यहां पर हैरी ब्रुक्स भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन भाई मेरी पर्सनल जो चॉइस है, फर्स्ट चॉइस यहां पर शुरुआती मैचों के लिए डेविड वॉर्नर के साथ हमें पृथ्वी शाह देखने को मिलने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगली टीम के बारे में। तो अगली टीम है गुजरात टाइटंस की टीम, जहां पर आईपीएल 2024 के लिए गुजरात टाइटंस टीम के स्क्वाड में भी कुल 4 ओपनर बल्लेबाज मौजूद है, जिनकी लिस्ट को आप सभी लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। जहां पर इनके पास इस टीम के कप्तान शुभमन गिल, उसके अलावा विकेट कीपर बल्लेबाज रिद्धिमान शाह है जिन्होंने रिसेंटली लास्ट एडिशन में ओपनिंग में धमाल करके दिखाया था। मैथ्यू वेड भी टीम के पास है, लेकिन इससे भैया फिनिशर का रोल यहां पर अदा करवा रहे हैं। साई सुदर्शन युवा ओपनर बल्लेबाज भी इस टीम के स्क्वाड का हिस्सा है, एज ओपनर यहां पर मौजूद रहेंगे। लेकिन फाइनल पेयर यहां पर क्या होने वाला है, एक छोर पर तो भाई डेफिनेटली आपके यहां पर कप्तान साहब शुभमन गिल होने वाले हैं, दूसरे छोर पर कौन होगा भाई, पहले तो रिद्धिमान शाह थे, अगर रिद्धिमान शाह यहां पर फ्लोप नजर आते हैं तो वैसे में साई सुदर्शन डेफिनेटली हमें इस टीम के सेकंड ओपनर प्लेयर के पद पर देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगली टीम के बारे में।
तो अगली टीम यहां पर है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम, जहां पर केकेआर की टीम में ओपनर्स को लेकर थोड़ी सी मुसीबत है। अब की बार भी थोड़ी सी बरकरार रहेंगी, केवल तीन ओपनर बल्लेबाज इस टीम के स्क्वाड में मौजूद है, जहां पर भाई इनके पास अफगानिस्तान के रहमानुल्लाह गुरबाज है, उसके अलावा भाई जैसन रॉय भी इनके पास आईपीएल के नेक्स्ट एडिशन के लिए स्क्वाड में है, और भाई वेंकटेश अय्यर भी हमें यहां पर देखने को मिले हैं। लेकिन फाइनल ओपनिंग प्लेयर यहां पर क्या बन रहा है चलिए जान लेते हैं। तो भाई एक छोर पर डेफिनेटली आपके वेंकटेश अय्यर ही हमें यहां पर देखने को मिलेंगे, अय्यर यहां पर ओपनिंग करेंगे। सुरेश अय्यर ने कंफर्म कर दिया है कि भाई एक छोर तो आपका बिल्कुल फिक्स है, वेंकटेश अय्यर यहां पर होंगे। दूसरे छोर पर कौन होगा, शुरुआत में यहां पर रहमानुल्लाह गुरबाज को चांसेस मिलेंगे, क्योंकि भाई गुरबाज यहां पर है जो ओपनर सीरियसली एक अच्छे बल्लेबाज के रूप में उभरकर सामने आए हैं। वही अगर यहां पर गुरबाज फ्लॉप साबित होते हैं तो डेफिनेटली यह टीम जैसन रॉय के साथ जाना पसंद करेगी। उसके बाद हम बात करते हैं अगली टीम के बारे में, तो अगली टीम यहां पर है लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम, जहां पर लखनऊ के पास आईपीएल के नेक्स्ट एडिशन के लिए अपने स्क्वाड में कुल चार ओपनर बल्लेबाज यहां पर मौजूद है, जिनकी लिस्ट को आप सभी लोग स्क्रीन पर देख पा रहे, जहां पर इनके कप्तान साहब के एल कमाल लाजवाब राहुल है, उसके अलावा देवदत्त पाडिकल को इन्होंने ट्रेड के जरिए राजस्थान रॉयल्स टीम से अपने स्क्वाड में शामिल कर लिया है, उसके बाद वही डीकॉक भी यहां पर है, डीकॉक के ट्रेड को लेकर भी लगातार हमें अपडेट्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन फिलहाल तो इसी टीम के स्क्वाड का हिस्सा है। और भाई काइल मेयर्स सीरियसली जबरदस्त हिटर ओपनर बल्लेबाज का नाम यहां पर है, लेकिन भाई फाइनल प्लेयर इस टीम का क्या बन रहा है, तो भाई लगभग यहां पर कंफर्मड है कि भाई एक छोर पर तो आपके कप्तान साहब के एल कमाल लाजवाब राहुल हमें देखने को मिलेंगे, दूसरे छोर को लेकर थोड़ा सा सस्पेंस बरकरार है। अगर भाई ट्रेड डीकॉक आपके ट्रेड नहीं होते तो भाई डेफिनेटली डीकॉक और केएल राहुल यहां पर ओपनिंग करेंगे, लेकिन अगर डीकॉक ट्रेड हो जाते हैं तो भी ऐसे में हमें यहां पर डेफिनेटली काइल मेयर्स देखने को मिलेंगे, जिन्होंने लास्ट एडिशन में सीरियसली एज ओपनर धमाल करके दिखाया था, और भाई हमें देवदत्त पाडिकल मिडल ऑर्डर में यहां पर खेलते हुए नजर आने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगली टीम के बारे में, तो अगली टीम है मुंबई इंडियंस की टीम, जहां पर मुंबई के पास चॉइसिस के लिए कुछ ज्यादा ऑप्शन यहां पर नहीं है, केवल तीन ओपनर्स बल्लेबाज इस टीम के स्क्वाड में मौजूद है, जहां पर एक तो इनके यहां पर रोहित शर्मा है, पहले कप्तान थे, कप्तान इनसे ले ली गई, हार्दिक पांड्या कप्तान बन गए हैं, लेकिन भाई टीम के स्क्वाड का यह हिस्सा है। और भाई सेकंड ओपनर बल्लेबाज यहां पर ईशान किशन है, और भाई 15 करोड़ 25 लाख रुपए का यह खिलाड़ी इस टीम का हिस्सा है। और थर्ड ओपनर ऑप्शन यहां पर विष्णु विनोद है, जिनको भाई लास्ट एडिशन में आजमाया भी गया था, आप सभी लोगों को बिल्कुल अच्छी तरह से याद होगा, लेकिन फाइनल ओपनिंग प्लेयर कोई चेंज यहां पर नहीं होने वाला है, बिल्कुल डिटो प्लेइंग डिटो ओपनर्स के साथ यह टीम उतरेगी, जहां पर रोहित शर्मा और ईशान किशन हमें आईपीएल के नेक्स्ट एडिशन में टीम मुंबई इंडियंस के लिए ओपनिंग करते हुए नजर आने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगली टीम के बारे में, तो अगली टीम है पंजाब किंग्स की टीम, जहां पर आईपीएल के नेक्स्ट एडिशन के लिए पंजाब किंग्स टीम के स्क्वाड में कुल चार ओपनर बल्लेबाज यहां पर मौजूद है, चारों विस्फोटक ओपनर्स हैं, जहां पर भाई एक इनके कप्तान साहब है, इनके शिखर धवन यहां पर, उसके अलावा भाई जोनी बेस्टो बहुत ही जबरदस्त इंग्लैंड के लिए खिलाड़ी है, परब सिमरन सिंह भी यहां पर ओपनर्स के कंटेंडर्स की लिस्ट में शामिल है, शशांक सिंह जिनको इन्होंने नीलामी के दौरान अपने स्क्वाड में शामिल किया था वो भी हमें यहां पर एज ओपनर इस टीम के लिए अवेलेबल देखने को मिलने वाले। लेकिन फाइनल प्लेयर यहां पर क्या बन रहा है, तो भाई एक छोर पर तो डेफिनेटली शिखर धवन होने वाले हैं, दूसरे छोर पर आई थिंक मेरे हिसाब से जोनी बेस्टो ही हमें यहां पर इस टीम के लिए ओपनिंग करते नजर आएंगे, क्योंकि भाई लास्ट एडिशन में बतौर ओपनर इस खिलाड़ी ने सीरियसली काफी अच्छा परफॉर्मेंस हैदराबाद की टीम को करके दिया था, तो भाई ओपनिंग यहां पर यही सॉरी आपके यहां पर पंजाब को दिया था, तो भाई ओपनिंग यहां पर हमें बिल्कुल यही देखने को मिलने वाली है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली टीम के बारे में, तो अगली टीम है राजस्थान रॉयल्स की, जहां पर राजस्थान रॉयल्स टीम के स्क्वाड में तीन चार ओपनर बल्लेबाज आईपीएल के नेक्स्ट एडिशन के लिए मौजूद है, जहां पर भाई आपके यशस्वी जायसवाल है, जोस द बॉस बटलर यहां पर है, संजू सैमसन भी ओपनिंग कर लेते हैं, शुभम दुबे को उन्होंने नीलामी के दौरान बड़े अमाउंट में परचेस किया है, वो भी बतौर ओपनर यहां पर मौजूद रहेंगे। लेकिन फाइनल प्लेयर यहां पर क्या बन रहा है, तो भाई आई थिंक नो चेंज इन द ओपनिंग प्लेयर, बिकॉज भाई आपके यहां पर एक छोर पर डेफिनेटली आपके जोस द बॉस बटलर देखने को मिलेंगे, दूसरे छोर पर यशस्वी जायसवाल युवा चेहरे हमें देखने को मिलने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगली टीम के बारे में, तो अगली टीम है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम, जहां पर आरसीबी के पास आईपीएल के नेक्स्ट एडिशन के लिए चार पांच ओपनर बल्लेबाज मौजूद है, लिस्ट आप सभी लोग स्क्रीन पर देख पा रहे, जहां पर इनके पास फाफ ड्यूप्लेसिस है, विराट कोहली भी ओपनिंग करते हैं, रजत पाटीदार भी ओपनिंग में अच्छा रोल अदा करते हैं, कैमरून ग्रीन यहां पर है 17.5 करोड़ रुपए का खिलाड़ी और एज ओपनर यहां पर डेफिनेटली अवेलेबल होगा, लेकिन कौन यहां पर फाइनल प्लेयर में टॉप टू बन रहे हैं, तो भी एक छोर पर आपके कप्तान
चांस ऑफ ऑफ ड्यूप्लेसिस है दूसरे छोर पर, आई थिंक मेरे हिसाब से विराट कोहली यहाँ पर होंगे। लेकिन अगर विराट कोहली वन डाउन के बारे में विचार करते हैं तो भी रजत पटीदार हमें यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद हम अंत में बात करते हैं टीम सनराइजर्स हैदराबाद के बारे में। तो आईपीएल के नेक्स्ट एडिशन के लिए हैदराबाद टीम के स्क्वाड में भी 3-4 ओपनर बल्लेबाज मौजूद है, जिनकी लिस्ट को आप सभी लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जहां पर मयंक अग्रवाल है, ट्रैविस हेड को इन्होंने नीलामी के दौरान अपने स्क्वाड में शामिल किया है, राहुल त्रिपाठी का नाम यहां पर है, और भाई अभिषेक शर्मा से भी इन्होंने लास्ट एडिशन में कुछ मैचेज में ओपनिंग कराई थी। लेकिन फाइनल पेयर यहां पर क्या बन रहा है, तो भाई एक छोर पर डेफिनेटली मयंक अग्रवाल होने वाले हैं, दूसरे छोर पर ट्रैविस हेड हमें एज ओपनर बल्लेबाज सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से ओपनिंग करते हुए नजर आने वाले हैं। तो दोस्तों कुछ ऐसे होने वाले आईपीएल के नेक्स्ट एडिशन के लिए, आईपीएल 2024 के लिए सभी टीमों के ओपनिंग पेयर्स। लेकिन आपके मुताबिक क्या कोई चेंज यहां पर करना चाहिए, यदि हां तो किस टीम में क्या चेंज करना चाहिए, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल किसी इंफॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब करके इंडिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग।